ये जनादेश कुछ कहता है। जी हां, यूपी के उपचुनाव में कमल ने बेशक अपना दबदबा बरकरार रखा, लेकिन साइकिल की रफ्तार ने न सिर्फ अपने गढ़ को बचाया बल्कि दो और सीटों पर कब्जा कर अपने वजूद का एहसास करवाया। कांग्रेस ने अपना जनाधार बढ़ाया पर बीएसपी का हाथी चल ना पाया। उपचुनाव के ये नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। डबल इंजन की सरकार की बात करें या बिखरे विपक्ष की, ये जनादेश एक संदेश देता है और इस संदेश को समझकर जिसने भी आगे काम कर लिया, समझो उसने 2022 का किला फतह कर लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका आनाइन टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। यूपी उपचुनाव का जनादेश क्या कहता है, ये नतीजे किस ओर इशारा करते हैं, क्या बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, सपा बसपा कांग्रेस की अगली रणनीति क्या हो, इन तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे अगले एक घंटे तक अपने खास प्रोग्राम यूपी उपचुनाव ये जनादेश कुछ कहता है में। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ए के मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और नसीम खान, कांग्रेस के लीडर। और भी लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे और जैसे वो जुड़ेंगे हम आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिलहाल ए के मिश्रा जी, ये जनादेश क्या कहता है, किस ओर इशारा करता है, क्योंकि हालांकि उपचुनाव है और उपचुनाव में उतना फोकस नेशनल पार्टी कह लें तो उनके नेशनल लीडर्स जो है वो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जनादेश एक संदेश दे रहा है। देखिए श्वेता, मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने बोला है, उपचुनाव को जो इंडिविजुअल कैंडिडेट होता है वो तो बड़ी गंभीरता से लेता है क्योंकि वो उसके व्यक्तिगत हार और जीत का अस्तित्व का मामला होता है, लेकिन पार्टियां चाहे बीजेपी हो या कोई और हो, बहुत खास उसको तवज्जो नहीं देती हैं। इसका रीज़न है कि कोई बहुत आला कमान के लोग कैंपेनिंग करने नहीं जाते हैं, वो लोकली वहीं सिमट के रह जाता है। तो व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो डेफिनेटली बड़ा मौलिक रूप, सबसे मौलिक रूप देखा जाए चुनाव का, जहाँ पे कि कोई एक्सटर्नल जो है अफेयर या एक्सटर्नल स्टिमुलस जो कि जनमानस को प्रभावित कर सके वो होता नहीं है। फिलहाल जो जीते हैं उनको बधाई। मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि जो भी पार्टियाँ जीती हैं या हारी हैं, इस चुनाव के परिणाम को लेकर के अपने आगे के स्टेट लेवल या नेशनल लेवल इलेक्शन के लिए रणनीति न बनाएं। इन चुनावों के परिणामों को स्टेट या नेशनल लेवल के इलेक्शन के लिए एक बैरोमीटर की तरह नहीं देखा जाता है। जो गलतियां पिछली बार हुई, कैराना वगैरह को मापदंड मान करके सपा बसपा ने हाथ मिलाया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ आप देख सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे ये एक बहुत अच्छी और व्यक्तिगत उस नेता की मेहनत की कमाई होती है जो उस सीट पे जीता हुआ है। पार्टी का बहुत एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं होता है जितना कि नेशनल लेवल पे या राष्ट्रीय स्टेट लेवल पे इलेक्शन में जो पूरा एक माहौल बनता है। नावेद अयाज, बसपा के लीडर, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नावेद जी, क्या लगता है, आपने तो यहाँ गवाया है, कहाँ कमी रह गई? मिजाज होता है श्वेता जी, उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष में जाता है और जो सत्ता की बॉडी होती है, जो अधिकारी होते हैं, छोटी मोटी जो कम मार्जिन की जीत होती है वो भी सत्ता पक्ष की तरफ धकेल दी जाती है। लेकिन सत्ता पक्ष ने आपकी सीट नहीं काटी है? नहीं, सत्ता पक्ष के सामने जब उपचुनाव होता है जिसमें नेशनल लीडर भी कुछ सीरियस नहीं लेते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं माना जाता। अभी 2.5 साल उत्तर प्रदेश में बाकी है, अभी 2.5 साल में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो नए पैदा होंगे और बहुत सारी शिकायतें अभी हैं जनता को, लेकिन जनता जानती है कि उपचुनाव में उनका हिसाब चुकता नहीं किया जा सकता। नावेद जी, ये पहला मौका था जब सभी सीटों पर बसपा ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, आप मानते हैं उपचुनाव में ये पहला मौका था कि बसपा ने ये स्टैंड लिया था? नहीं, बसपा ने उपचुनाव में अपने कैंडिडेट से इतने उतारे ताकि हमारे कार्यकर्ताओं में एक मायूसी न रहे, रिवीजन रहे, उनको जो उनका जो कार्यशैली है, जो उनके काम करने के तरीके हैं, उसका एक रिवीजन रहे। और बाकी इससे ज्यादा हमें उम्मीदें नहीं थी क्योंकि हम जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी खुद सत्ता में भी है और अपने सत्ता का दुरुपयोग करके भी चुनाव को जीतने की क्षमता रखती है। ये आरोप फिर से आपने बीजेपी के ऊपर लगा दिया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी सीट जो है वो बीजेपी ने नहीं काटी है। चलिए, खैर, ये इसका जवाब तो बीजेपी के नेता ही देंगे। नसीम खान, यहाँ आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया है, गंगोह सीट पर,
लीड ले रहे थे और खुद आपके लीडर बैठे थे हमारे साथ, हमने बधाई भी दी थी कि चलो कहीं ना कहीं तो ऑक्सीजन का काम आया यहाँ एक सीट पर लीड। लेकिन जैसे आप पीछे आ गए आपने आरोप लगा दिया कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है साहब, इलेक्शन कमीशन में जाके वहां पे धरना प्रदर्शन और ये बात क्यों? देखिए आपको हम एक चीज बता दें कि पूरे जहां जहां चुनाव हुए हैं, हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, हमने कहीं भी कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन जहां पर हजारों लोग धरने पर बैठ गए और वहां परिणाम को रोका गया और उसके बाद अचानक एकदम गंगों पे बढ़ते हुए और एकदम अचानक जो है उनको पीछे दिखाया गया, हो सकता है वहां कुछ गड़बड़ हुई हो। और जिस तरीके से वहां हजारों लोगों ने डीएम के खिलाफ नारेबाजी किए, वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोगों में गुस्सा था कि क्या हम महाराष्ट्र के अंदर हम कई सीटें हारे, हम हरियाणा के अंदर कई सीटें हारे कम मार्जिन से, हमने वहां तो आरोप नहीं लगाए। लेकिन जहां पर भी हुई है, हमें गंगो से हमें इनपुट मिला है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से हमारी नेता ने भी कहा और हम भी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन जहां तक श्वेता जी नतीजे जो आपके सामने हैं सुबह से, हम एक बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हो सकता है हम दोनों राज्यों में सरकार ना बना पाए और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और गवर्नर है, वहां सरकार बना सकती है। लेकिन ये नतीजे स्पष्ट रूप से पूरे देश के अंदर संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती चालू हो गई है जो आप तय करते थे। सर ये तो बीजेपी देखेगी कि उन्हें क्या करना है, उल्टी गिनती अगर चालू हुई है तो उस पे छोड़ दीजिए। मेरा कांग्रेस से यही सवाल है कि आपकी लीडर गंगोह सीट पर कहती हैं कि यहां गड़बड़ी हुई है साहब, फिर कहती हैं जनाधार भी बढ़ा है। देखिए कंफ्यूजन या तो रखिए मत, अगर आप विपक्ष में हैं, खैर यूपी में तो वहां पे भी नहीं है आप, लेकिन यूपी में आप अपनी जमीन तलाश रहे हैं और आपकी एक लीडर जो उतरी है उनकी साख दांव पर है। लोकसभा का चुनाव हो गया, अब ये उपचुनाव भी हो गए, अगर जनाधार थोड़ा बहुत जो बढ़ा है, जो वोट परसेंटेज की अगर बात कर ले तो 6% से 6.25 से 11.49 हुआ है, तो यहाँ कांग्रेस को समझने की जरूरत है। सपा बसपा को छोड़ दे सर, आप एक इतनी बड़ी पार्टी है और जैसे सिमटती जा रही है कांग्रेस, यहाँ अगर 2022 के चुनाव में आप चुनावी मैदान में होंगे तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्योंकि ये अब जो लीडर आपने उतार दिया है प्रियंका गांधी, ये आपके तुरुप का इक्का थी, अब ये अगर उस तरीके से नहीं चल पाई तो आखिरकार कांग्रेस का फेल्योर ये कौन लेगा? देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जहां तक फेल्योर लेने की बात है, ये हमारे नेता ने तय किया है लोकसभा चुनाव के बाद कि कार्यकर्ता नहीं, मैं खुद जिम्मेदारी लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहा हूं। और खूब मनाया गया, उन्होंने कहा नहीं मैं ही लाइन, मैं यहां से लाइन बनाऊंगा और मैं एक मैसेज दूंगा कि हम बड़े नेता होने के बाद भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। रही बात इसकी, आप देखिए आप खुद कह रहे हैं इस बात को, पूरा देश इस बात को कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सारे जगह पे 51 जगहों पे उपचुनाव हुए पूरे देश के अंदर, कांग्रेस पार्टी 24 पे और भारतीय जनता पार्टी 19 पे जीती है कुल। आपके गुजरात के अंदर 6 जगह उपचुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी 4 पे, भारतीय जनता पार्टी 2 पे जीती है। ये आपको दिखाया, ये आपको स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। 6 का औसत हमारा जो है क्या नाम है वोट परसेंटेज था, आज हमारा 11-12 के आसपास पहुंच रहा है कर रहे, क्योंकि देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि शाहजहांपुर हो, चाहे आपका जो हमारे क्या नाम है दलित भाई मारे गए थे बहुत बड़े तादाद में, और उसके बाद चाहे सेंगर का मामला हो, बच्चियों के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये और भारतीय जनता पार्टी के शोषण करने वाले, जो पार्टी सत्ता में है अगर वो दे भी रही है आपके यहाँ हाथों में वो मुद्दे, उसको इन कैच कराने में कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि जनता का रोल तो जनता डिसाइड करेगी सर, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर बात की जाए, एग्जीक्यूशन उस तरीके से अगर नहीं होगा, उन मुद्दों को आप इनकैश अगर नहीं कराएंगे तो ये आपका फेल्योर होगा। आपने बीजेपी का क्योंकि आपने जिक्र किया कि यहाँ बीजेपी जिस तरीके से जी, आपने फेलियर की बात कही, आप देखिए आपने स्थानीय मुद्दों आप लीड ले रहे थे सर, आप लीड ले रहे थे 16 सीट पर, हरियाणा में जीत सकते थे लेकिन जब जीते नहीं तभी आरोप लगा दिया, जब लीड ले रहे थे तो बीजेपी ने आरोप नहीं लगाया, आज हो सकता है बीजेपी ने आरोप लगाया क्या? भारतीय जनता पार्टी गंगो पे जब आप लीड ले रहे थे तो बीजेपी ने, कुछ लोगों ने मन बनाया है नसीम जी, अब आने वाले चुनाव जब आप लीड ले रहे थे तो बीजेपी ने तो आरोप नहीं लगाया, लेकिन आपने आरोप लगा दिया तुरंत। बिल्कुल वहां से खबरें हैं और जिस तरीके से वहां का हजारों युवक इमरान मसूद के नेतृत्व में एकदम बूथ छोड़ करके जब वहां बेईमानी हुई है और सड़क पे बैठा, तब जाकर के हमारे नेता को इनपुट मिला कि यहां गड़बड़ हुई है। हमने हर जगह नहीं कहा, हरियाणा में हम बहुत कम जगह पे हारे हैं, बहुत कम मार्जिन से, लेकिन हमने नहीं कहा, लेकिन जहां दिखाई दिया है हमने वहां बोला है। शिवम त्यागी जवाब देंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इमरान मसूद जी के साथ, आपने जो कहा कि हजारों लोग खड़े हुए थे,
इमरान मसूद के साथ तब भी हजारों लोग खड़े हुए थे जब वो कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे। इस देश में एक छोटा सा वीडियो वायरल हो जाता है या फिर कोई व्यक्ति परेशानी आपकी, आप दो मिनट से अनइंटर अपडेट बोल रहे थे, अब नहीं सुनेंगे। और उसके अलावा इस देश में तमाम ऐसी अफवाहें उड़ती हैं जिनके लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी सिस्टम पे, किसी भी ब्यूरोक्रेसी पे, कहीं पे भी बस सवाल लेकर खड़ा हो जाएंगे। जब तक जीतेंगे तो ठीक है, वो तो नतीजे आपके हिसाब से कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं, नहीं तो आप अभी तक ईवीएम का रोना रो रहा होते। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जो भी मैंडेट है, चाहे वो उपचुनाव का हो, चाहे वो दोनों राज्य का हो, भारतीय जनता पार्टी इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह का हमारा एक ढांचा रहा है, आने वाले समय में जहां जहां हमारी कमियां नहीं है उनको सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है आपको बदलाव की जरूरत है। शिवम त्यागी, आप ये मानते हैं कि रणनीति में बदलाव की जरूरत है, बीजेपी को सोचने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी, दोनों राज्यों की बात कर ले, उपचुनाव की बात कर ले, आपने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया और इसी पर समझ रहे थे कि हरियाणा और महाराष्ट्र आप साथ लेंगे, और अभी स्थिति आप देख रहे हैं। अब वही शिवसेना आपको आंखें दिखा रही है महाराष्ट्र में, 50-50 फॉर्मूला लोकसभा वाला वो रिपीट कर रही है। अभी आप हरियाणा में कह तो रहे हम बनाएंगे, लेकिन वहां भी आप देखिए कि आपके हाथ में जिस तरह से 75 पार का नारा दिया गया था, आपको क्लियर मैंडेट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं तो आपने राज्यों के मुद्दों को नहीं छुआ और यहां पे भी आपको सीट गंवानी पड़ी। पहला हुड्डा जी ने भी कहा था कि हम पूरी तरह से मैंडेट लेकर आ रहे हैं, जाहिर बात है उनको भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जेजेपी ने भी कहा था, हर को मैं जवाब दे देता हूं, हर कोई पार्टी कहती है। और दूसरी चीज, जहां तक 75 की बात है, बिल्कुल हमने डिस्टिंक्शन एक्सपेक्ट किया था कि हम डिस्टिंक्शन लाएंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास हम अभी भी लेकर आए हैं। लेकिन बावजूद उसके हम कहना चाहते हैं कि हाँ, हम पूरी इमारत बना चुके हैं अगर हम देश की बात करें, लेकिन अगर कहीं एक ईंट गलती से लगी है या कुछ गलत तरीके से लगी, हम उसको सुधार करेंगे, मंथन बिल्कुल होगा। जाहिर बात है जिस तरह से चुनावी कैंपेन गया, सारी रणनीतियां बिल्कुल सही गई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने, चाहे पेरिफेरल हाईवे की बात हो, चाहे ग्रुप 4 की 16,000 नौकरियों की बात हो, तमाम हमने स्टेट के मुद्दों पर भी काम किया, लेकिन अगर जनता तक नहीं पहुंचा तो मुझे लगता है सुधार करेंगे। इस एक घंटे में हम यूपी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां क्या लगता है शिवम त्यागी, क्योंकि देखिए जनता देख रही है और यहां उन मुद्दों को आपको टच करना पड़ेगा। क्या पिछले आपकी ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसके बावजूद अगर दो सीटें भी आपके पास से जाती हैं तो सोचना पड़ेगा। जिस रामपुर को आपने नाक का सवाल बना लिया था और क्या कुछ नहीं किया गया, आजम खान को लेकर जिस तरह से आपने घेराव किया, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, उसके बावजूद वो सीट तो छोड़ दीजिए, बाकी भी दो सीट वो लेके गए, तो इसे कैसे देखते हैं, कहां कमी रह गई? उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा है, सुधार की और जरूरत है। लेकिन जहां तक रामपुर की बात है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, 1956 में अटल जी तीन जगह से लड़े थे, पहली दो जगह से हार गए थे, तीसरी जगह से जीत गए थे। तो रामपुर में पहले आजम खां का रहा हो, अभी पिछले दिनों, उसके बाद अब ये रहा हो, मुझे लगता है कि 2022 में रामपुर भी हम जीतेंगे। हाँ, तीन सीटों की जहां तक जाने की बात है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल में जिस तरह से करप्शन फ्री गवर्नमेंट दिया है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात मत कीजिए शिवम, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है, मैं यहां सुप्रीम कोर्ट को, मैं किसी पार्टी को कोर्ट नहीं कहना पड़ा। गायत्री प्रजापति आपको याद होगा मेरा ख्याल, उसके अलावा रामरेश यादव आपको याद होगा। लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है तब मैंने पूछा, अगर शिवम लॉ एंड ऑर्डर तो ये है, कत्ल करके कमलेश तिवारी का चले जाते हैं, सब काले एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए, मुझे मानने की जरूरत नहीं, सब काले साल का उत्तर प्रदेश का एनसीआरबी का डेटा अगर आप उठा ले तो आपको पता चल जाएगा। आप अलग मत हो, राष्ट्रवादी मत बनो, पहली चीज राष्ट्रवादी मत करो, ये सरकार ये कह दो, हम बेटी साल में जो सरकार दी है, हम बेटी को मारेंगे, ये उसी का जवाब है। शिवम, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलता, मशीन खाने सब जनता में दी, जनता ने कर दिया, नसीम का अभी जनाधार बढ़ा है और आप इतना हाइप हो रहे हैं। एक मिनट अर्शद आबिद, ये जो पहले तो बधाई हो सर, रामपुर की सीट बचानी थी, दो सीट आपने तो बसपा पर भी हाथ साफ कर दिया सर, क्या है मतलब, गठबंधन क्या तोड़ा तो बुआ जी? देखिए सवाल ये है कि तोड़ लिया समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, उसके कार्यकर्ता पूरी मेहनत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे थे। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी जब उपचुनाव लड़ती है तो मुलायम सिंह यादव जी भी कभी चुनाव प्रचार में नहीं जाते थे और अखिलेश यादव जी भी नहीं जाते थे, लेकिन एक रामपुर विधानसभा सीट पर गए क्योंकि वहाँ भाजपा के इशारे पर डीएमएसएसपी और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह घेराबंदी की हुई थी, जिस तरह लोकसभा चुनाव में 2 लाख
कार्यकर्ताओं की हमारे वोट नहीं डलनी थी, 70,000 लोगों को लाल कार्ड जारी कर दिया। अगर आप पूरी बढ़ का रिकॉर्ड निकाल लेंगे, मैंने देखा अमेरिका में सिर्फ एक बार एक चुनाव में 11,000 लोगों को लाल कार्ड जारी किया गया था, ब्राजील में 6,000 को और इंडोनेशिया ये आपका यूक्रेन में 3,000 को, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ दिया 77,000 लोगों को। इन लोगों ने एक पार्लियामेंट चुनाव जीतने के लिए 77,000 लोगों को जारी कर दिया था कि हमारे 2,00,000 वोट नहीं डल पाए। आपको फायदा मिला गठबंधन टूटने का? अरे सुनिए, गठबंधन में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि गठबंधन में आप आए तो थे, गठबंधन में आए थे, जिस तरह से बसपा आपसे अलग हुई और उनको लग रहा था, और ये पहला मौका है जब सभी 11 सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार उतारे, तो आपको फायदा मिल गया, बसपा ने तो लूज कर दिया। मैं गठबंधन पे कुछ नहीं बोलूंगा, समाजवादी पार्टी पहले भी अकेले सत्ता में आ सकती थी, अब भी अकेले सत्ता में आ जाएगी, गठबंधन होते रहते। अखिलेश जी ने कहा है कि भाई मैं क्या नाम छोड़ के नहीं भागे, गलत बात है ना, आप बोले थे 20 मिनट से, नहीं आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि गठबंधन से हटने का आपको फायदा मिला, डिसीजन तो मायावती का था। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी की जो 2012 से 17 तक सरकार चली, तो हमने सबसे ज्यादा काम किया, इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमने फ्लाईओवरों के जाल बिछा दिए, सड़कों के जाल बिछा दिए, और इनकी 12-13 स्टेट में सरकार आए, तो 14-15 में है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दें अगर मेट्रो का एक पहिया भी लाए हुए हैं, और कहते हमने विकास कर दिया, हमने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाकर दिखाया, ये बताएं कि 25 किलोमीटर भी एक्सप्रेस वे बना पाए हैं, हमारा एलिवेटेड रोड 1,000 प्रदेश की जनता को उन्होंने बहकाया 2017 के चुनाव में कि हमारी दिल्ली में सरकार है, हम ये कर देंगे, किसानों को कर्जे माफ कर देंगे, बिजली माफ कर देंगे, जनता ने इन पे यकीन कर लिया, उनके इनके जाल में आ गए, माया जाल में फंस गए, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया, हमने जनता का मैंडेट कबूल कर लिया, अब जनता को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं, किसान को किसान आत्महत्या कर रहा है, सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान उत्तर प्रदेश तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या लगता है गठबंधन से हटना सही फैसला था? एक मिनट आप सुन लीजिए, नहीं, इतना टाइम नहीं दूंगी, आप जो बखान कर रहे हैं कि ये हुआ तो आप आए क्यों नहीं सत्ता में, अगर हुआ जनता ने आपको नकारा, जनता जनार्दन है, उनको मत बोलिए कि बहकाया कि क्या किया, आप बहकाया तो अभी क्या बहक गई जनता जो आपको सीटें दे दी, अभी बहक गई जनता जो 2 सीटें एक्स्ट्रा दे दी, अभी बहक गई जनता, अभी बहक गई, अभी बहक गई, अरे ये सब बातें मत बोला कीजिए, 100 साल लगेंगे 200 सीटें। नावेद जी, गठबंधन से हटना आपके लिए फायदेमंद तो कहीं से भी साबित नहीं हुआ, मायावती को क्या लग रहा था कि लोकसभा में जो सीटें लेकर आई थी 10 सीट, कहीं ना कहीं उन्हें लगा था कि हम अलग हो जाएंगे, और उसके बाद जो आने वाला 2022 का चुनाव है और ये उपचुनाव, हालांकि बार बार एके मिश्रा जी कह रहे हैं इन उपचुनाव को हम उस तरह से उसका कंपेयर ना करें, लेकिन उसके बावजूद बसपा का ये डिसीजन कहां तक सही था, या तो गठबंधन में जाना या उससे हटना? ढाई साल बाद 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे, नए मुद्दे होंगे, चिमियानंद मुद्दे होंगे, चिमियानंद जी का बदला लिया जा सकता है, कुलदीप सिंह सेना का बदला लिया जा सकता है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जंगल राज की, उसका बदला जनता को लेना है, और योगी जी मनमर्जी पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, संविधान और सिस्टम पर उनकी कार्यशैली बिल्कुल नजर नहीं आती, उसका हिसाब 2022 में जनता लेगी। उपचुनाव बिना गठबंधन के लड़ना हमारी नेता का एक अच्छा डिसीजन था, और अपने कार्यकर्ताओं को थामने और बांधने के लिए 11 सीटों पर हम लोगों ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन आपका जनाधार घटा है नावेद जी, आपका जनाधार घटा है, वोट परसेंटेज कम हुए हैं, कोई भी उपचुनाव जनाधार तय नहीं करता है, जनाधार वोट परसेंटेज तो मानेंगे ना सर, वोट परसेंटेज भी नहीं मानेंगे? देखिए, वोटर में मायूसी होती है, जो जिस पार्टी का वोट होता है वो नहीं डालने निकलता, उन्हें पता है उनकी मुखिया को ये वोट नहीं पहुंचेगा, सत्ता जिसकी है उसी की सत्ता रहेगी, योगी जी के लोगों ने डराना धमकाना या एक तरह का माहौल बना दिया है कि लोग जो है खुल के अभी रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन 2022 में लोग जवाब देंगे। आप हरियाणा पे गौर कीजिए, कौन लोग समझ रहे थे कि नतीजे इतने ज्यादा किनारे पर आएंगे,
नावे जी, सवाल तो यही उठ रहा है कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो फेल अगर हो रही है तो बीजेपी को चिंतन करने की जरूरत है, लेकिन विपक्ष का भी वही हाल है। विपक्ष उन संदेश को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो पॉइंट्स उठाने चाहिए। आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपको वहां जनता ने नकार दिया, लेकिन जो यूपी के लिए अभी कह सकते हैं सर कि अभी अयोध्या बाकी है, अभी अयोध्या बाकी है, 2022 बहुत दूर है। नसीम खान कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। उपचुनाव का जो रिजल्ट है उसके जिम्मेदार से मेन राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे से सहमत हूं। हर चुनाव का आप तो कहेंगे ना सर जनाधार बढ़ा है, हर चुनाव नहीं नहीं हम घटे भी हो चाहे हर चुनाव का अपना महत्व होता है, लेकिन आपके लीडर ने भी कहा कि बड़े टॉप लीडर्स हर चुनाव एक संदेश देके जाता है, हमारा जनाधार घटा है बढ़ा है इसमें कोई दाल नहीं। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह देना चाहता हूं कि ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे उपचुनाव हो चाहे दोनों राज्य के चुनाव हो, इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि इससे पहले जो 370 का बखान पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया गया उसके बाद ये रिजल्ट आया कि भारतीय जनता पार्टी अपना सारा का सारा जो है स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर बैठी है। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ स्मार्ट सिटी कहाँ है, आपसे पूछना चाहता हूँ 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, आपसे पूछना चाहता हूं मैं बुलेट ट्रेन कहां है, आपसे पूछना चाहता हूं 15 लाख कहां है, आपसे पूछना चाहता हूं मैं क्या नाम उसके बाद किसानों का कर्जा माफी कहां है। आप केवल झूठ बोल के भोकाल बांध करके कुछ मीडिया हाउसेस को साथ लेकर के इमरान खान को बोल रहा है, ये सारी चीजें आप चुनाव नहीं जीत सकते। उद्योग बंद हो रहे हैं, मारुति बंद हो रही है, नसीम खान मीडिया के ऊपर आरोप मत लगाइए, 25 लाख होमगार्डों की मीडिया के ऊपर आरोप मत लगाइए, नौकरी आप खा गए, आप क्या कह रहे हैं, 50,000 लोग अपने सर यही मुद्दे तो उठाने हैं। अरे ये मुद्दे जो आप डिबेट में बोल रहे हैं इन्हीं को लेकर जनता के पास जाना है। एके मिश्रा जी विफल हो चुके हैं। मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं आप जितनी चीजें बोल रहे हैं सर सब सही है। धारा 370 हटाना राष्ट्र का प्रेम नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोह कर दिया बीजेपी ने। हाँ मैं मान लेता हूं ये नहीं है, बिल्कुल हम राष्ट्रद्रोह नहीं कह रहे। हाँ बिल्कुल नहीं कह रहे, फिर क्या आपने हटाई है आपको बधाई, लेकिन हटाने के बाद पूरा देश ही देख रहा है, पूरी लीडरशिप को और पूरे एक राज्य को आपने बंधक बना के रखा हुआ है। क्या ये चलिए मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब हरियाणा दूसरी चीज मिश्रा जी मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। चलिए हरियाणा का चुनाव हुआ है, हरियाणा में हर घर के अंदर फौजी और पुलिस के अंदर जो है भर्ती है। राष्ट्र प्रेम अगर जो कहीं सबसे ज्यादा उफान मारता है तो हरियाणा के अंदर मारता है। क्यों 370 के बाद आपको नकार दिया है, क्यों पूरी तरीके से आपको बहुमत से मेरा सवाल क्यों 75 पार दे दिया, प्रदेश को बंधक बना। मेरा सवाल सुन लीजिए, ये सारी चीजें मैं 100% ब्लाइंडली आपके ऊपर फेथ कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, आप सर इतने दिनों से ये मुद्दे जान रहे हो, सबसे बड़ी पार्टी आप रहे हो, पूरे देश की 120 करोड़ की जनता की आशा केवल आप ही हो सर जो कि इस देश को इन सब संकटों से बचा सकती है, तो सर आप कब बचाएंगे जनता को? अभी आपको 2 मिले थे यहां पे, जनता ने फिर उसी उम्मीद की निगाह से देखा था, आप यहां पे भी टाइम टाइम फिस हो गए। हम कैसे विश्वास करें, हर बार आप हारते जा रहे हो, 120 करोड़ की जनता आपके ऊपर कैसे विश्वास करे, कितने युग लगेंगे सर आपको चुनाव जीतने में, ये बताइए। सारी चीजें आपकी सही है मिश्रा जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये जनादेश हमें ये बता रहा है, चाहे हम भली सरकार ना बना पाए, लोगों ने अपना मन अगले 5 साल के बाद जब पिछले 10 साल अगले 5 साल के बाद जब हरियाणा का चुनाव होगा तब जीत जाएंगे। अपना मन सुनिए, अगले 5 साल के बाद ये पांच साल नहीं आगे दिल्ली का चुनाव आ रहा है, हरियाणा में अब तब आप सरकार बनाएंगे, बिल्कुल अगले 5 साल के बाद बना लेंगे। बिल्कुल देखिए अभी तय नहीं हुआ है, हो सकता है बैठ जाइए 5 साल के लिए, अब हो गया ना, नसीम खान डबल इंजन की सरकार है, उनके ऊपर तो ये दायित्व बनता है कि वो अपने आप को साबित कैसे करें। शिवम त्यागी बैठे हैं बोलने के लिए, लेकिन वहां अगर जनता नकार रही है तो उनको चिंता चिंतन दोनों करने की जरूरत है। यूपी उपचुनाव, ये जनादेश कुछ कहता है, जी हाँ जनादेश को समझने की जरूरत है। हालांकि कई बार ये बात कही जाती है कि उपचुनाव के नतीजे शायद आने वाले
वाले चुनाव पर उतना प्रभाव ना डाले, लेकिन जनता के आदेश को अगर आपने समझा नहीं, उस संदेश को समझा नहीं, तो 2022 में जो विधानसभा चुनाव होना है किला कैसे फतह करेंगे। अगर हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखें तो वो पूरी तरह से क्लियर है, राष्ट्रवाद एक मुद्दा होता है। और एके मिश्रा जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था क्या रणनीति में यहां बदलाव करने की जरूरत है, अभी 2022 में इलेक्शन होना है, उसके पहले अयोध्या एक बहुत बड़ा मुद्दा, उस पर फैसला आना बाकी है। कहीं ना कहीं बीजेपी ये पूरी कोशिश करेगी कि इस मुद्दे को उठाकर, इस मुद्दे के तहत यूपी को साधा जाए। देखिए श्वेता, मैं आपको बताऊं, केवल एक यही मुद्दा नहीं है, मुद्दों की एक पूरी कतार है, बीजेपी के पास फेहरिस्त है। अगर आप इनके घोषणा पत्र वगैरह जो इनके हैं आप देखेंगे, सिद्धांत जो इनके हैं, तो पूरी एक फेहरिस्त है। अब मैं ये बोलता हूं कि क्या सही है क्या गलत है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिसके पास जो मुद्दे हैं वो उठाएगा, उसका क्या बेनिफिट होगा, ये पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं। अब ये सौभाग्य या दुर्भाग्य है कि इनके पास इस तरीके के मुद्दे हैं तो वो जीत जाएंगे या हार जाएंगे, और इनके पास इस तरीके के मुद्दे हैं या ये अपने मुद्दों को उतना इफेक्टिव वे में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। केवल मुद्दे होना ही जरूरी नहीं है, वाकई में आप हो राजनीति करने के लिए, हो चुनाव जीतने के लिए ही आप एग्जिस्ट कर रहे हो और चुनाव लड़ते हो, कोई भी हो, कोई भी विपक्ष भी नहीं बोलेगी कि हम हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि जब आप चुनाव में उतरते हो तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होता है, एक छोटा सा शब्द भी आपने गलत यूज कर दिया या कुछ कर दिया तो विपक्ष आपका फायदा ले लेता है। बीजेपी इन सब मामलों में बहुत अलर्ट है। देखिए, मैं ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलता हूं कि बीजेपी ने सोने की सड़कें बनवा दी और ये कर दिया वो कर दिया, मैं सारी चीजों को मानने के लिए तैयार हूं। सवाल यह है, पॉलिटिक्स और वोटिंग वगैरह जो होता है, हम लोग बड़े भावना प्रधान टाइप के आदमी हैं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, जो वोटर हैं यहां पे भावना बड़ी प्रधान रहती है। आप उनके भावनाओं के अगेंस्ट अगर जाएंगे, आप ये देखिए, इंदिरा गांधी अगर चुनाव हारी थी, कोई भी आप देखिए चुनाव हारा या जीता है वो भावना प्रधान ही है। कांग्रेस की अगर बहुत जबरदस्त जीत हुई थी इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद, तो वो भी एक भावना के कारण हुई थी, वहां पे ग्रोथ वगैरह इन सब चीजों के मुद्दे नहीं उठे थे। अब ये बड़ा माइक्रो लेवल पे सिंक करने की और समझने की कोशिश है। मैं बोलता हूं कि अगर कांग्रेस या विपक्ष इतनी सीटें हरियाणा और यहां पे ले आई है, तो ये थोड़े से और सेंसिटिव होके माइक्रो लेवल पे अच्छे से काम किए होते और भारत को समझते हुए, न कि इंडिया को समझते हुए, तो हो सकता है 50 सीटें ले आते। लेकिन इन्हीं, देखिए, इनकी कमजोरी बीजेपी की एक नेचुरल मजबूती बन रही है। जिस दिन ये इस चीज पे ध्यान दे देंगे, कॉम्पिटिशन और टफ हो जाएगा। आशा जी, क्या लगता है आपको कि आगे जिस तरह से अगर 2022 का विधानसभा चुनाव देख लिया जाए तो उसमें बीजेपी की तो स्ट्रैटेजी क्लियर नजर आ रही है सर, कई मुद्दे भी है, ये एके मिश्रा भी कह रहे हैं, और सही में आप केंद्र में अगर आपकी सरकार है और आप कहीं भी कुछ करें तो वो सारे मुद्दे आप इनकैश करा सकते हैं। ऐसे में विपक्ष की भूमिका जो है अहम हो जाती है, पिछली बार हमने लोकसभा में तो देख लिया, अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए आप लोगों की, क्योंकि उन फ्रंट पर आपको घेरना होगा बीजेपी को जहां जहां वो कमजोर है। ये नहीं कि बीजेपी ने ट्रंप कार्ड फेंका और आप उस जाल में फंस गए। देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्ष करने में पूरे देश में सबसे आगे है। समाजवादी पार्टी के आंदोलन सबसे बड़ी तादाद में आप अगर देखेंगे तो रहते हैं, और हम आंदोलन करते हैं, जेल भरो आंदोलन है, कचेरी घेरो, घेरा ऑर्डर, मतलब बहुत आंदोलन हमारे चलते रहते हैं, साइकिल यात्रा चलते रहे, किसान आजम खान के लिए आंदोलन करना था, तो आजम खान साहब के लिए भी किया, भूपेंद्र इसके पुष्पेंद्र अनुदेशकों के लिए कितना आंदोलन किया सर, देखिए सबके लिए, होमगार्ड जवानों के लिए, नहीं समाजवादी पार्टी सब जवानों के लिए भी किया है सर। मुलायम सिंह यादव को अगर आकर बोलना पड़ रहा है कि मैं आजम खान के सपोर्ट में हूँ, और तब आपके अखिलेश यादव कहते हैं कि हम जाएंगे, ये इससे बड़ा आपको क्या मतलब चाहिए कि खुद मुलायम सिंह यादव, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो आके मीडिया के सामने कहते हैं, तब अखिलेश यादव सक्रिय हो जाते हैं। बोल लीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा आंदोलन में आगे रहते हैं, तो जवाब दीजिए, आप अपने नेता के लिए खड़े नहीं हो रहे। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी है, और वो उनकी मर्जी है ना, वो पीसी कब करेंगे, किसके लिए बोलेंगे, ये आप तो कह नहीं सकती है, मैं नहीं कह सकता, कोई दबाव तो उन पर डालेगा नहीं है। आजम खान समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, जब उन पर जुर्म जाती ज्यादा बड़ी तो वो आए, उसका असर देखिएगा, अखिलेश दो दिन रामपुर में रहे, और देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट राहत दे रहा है। देखिए, अब इसी उपचुनाव में 11 जो विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी के इशारे पर जो उसने नंगा नाच किया है, हम हर विधानसभा क्षेत्र में आप देख लीजिए, उठा लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रतापगढ़ की रिपोर्ट ले लीजिए, आपको सब मिल जाएगी, आप ले लीजिए बहराइच की ले लीजिए, 30-35 हज़ार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों लाल कार्ड जारी किए, और उनके किए हैं जो जिनके खिलाफ 151 का मुकदमा भी दर्ज नहीं है, और भाजपा समर्पित जो बदमाश माफिया है पूरी तरीके से भाजपा के लिए लगे हुए हैं, और आपको आश्चर्य होगा, आश्चर्य की बात भी नहीं है, इनकी 12-13 स्टेट में सरकार है, हर स्टेट के
तीस तीस मंत्री उन उपचुनाव में थे, और योगी जी ने तीन तीन रैली की है, गंगों में तीन रैली की है। अभी देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक गंगों में की, एक रणोतक में की, एक दूसरे गाँव में की, रामपुर में की है। तो चीफ मिनिस्टर रैली करते हैं तीन, अखिलेश जी जाते नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के बलबूते पर लड़ती है। तो अगर सरकारी उत्पीड़न ना होता, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी ना होती, इनकी जेब में ना होता, और पूरे प्रशासनिक और पुलिस का हमला इनके हाथ में ना होता, समाजवादी पार्टी 11-11 जीतती है, बेईमानी से जीते हैं पूरी तरीके से। आप इस पर चुनाव करा दीजिए, ये एक सीट नहीं जीत पाएंगे। और जहां तक 2022 आरोप लगाना, 2022 में समाजवादी आरोप लगाना सबसे आसान है, लेकिन सत्ता में जो बैठा होता है। श्वेता जी, 15 मिनट से करीब मैं सुन रहा हूं, आशा करता हूं कि अरशद खान आप सुने, आप दो मिनट में आपका जवाब दूंगा, तो बाकी को भी तो देना पड़ेगा। 2012 से 2017 के दौरान आपने 35 जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए थे। आपको पता है आपने क्या किया था? आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पर्चा तक नहीं भरने दिया था, घर से जाके पुलिस से उठवा लिया था। और अब आ जाता हूं आपके ज्यादा, अब सुन लीजिए, आप देखिए तो अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, पर्चा आगे सुनेंगे आप सदस्य। और दूसरा, इस देश में कोर्ट है, मानते हैं आप? इस देश में अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है और आपको लगता है कि आपके पास क्रेडिबल प्रूफ्स हैं और आपके साथ जो सिस्टम है ज्यादती कर रहा है, जाइए ना कोर्ट। वो कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का है, तो क्या टीवी पर बैठ के झूठ बोलने से क्या फायदा? कोर्ट गए तो है, मैं क्या कहता हूँ देख लीजिए, मैं क्या कहता हूँ देख लीजिए, राहत मिली तो है। अरे राहत मिलने का मतलब जमानत होता है साहब, बरी करना नहीं होता। कैसी बातें करते हैं, गुमराह करते हैं टीवी पर बैठ कर। और दूसरी चीज, मैं क्या कहता हूं, सुनिए, आपने कहा योगी जी ने तीन तीन रैलियां करी, भारतीय जनता पार्टी का कैडर है साहब, कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक जहां भी चुनाव है हम दिन रात काम करते हैं, रैली करते हैं, बीच में रहते हैं। आपके नेता की तरह नहीं कि मर्सिडीज में बैठे और एक बार हाथ हिलाए और चले गए, यहां पर कार्यकर्ता के साथ प्रधानमंत्री तक का लेवल खड़ा होता है। दूसरा, बैलगाड़ी में चलते हैं, फर्क नहीं होता क्या? बैलगाड़ी में फर्क नहीं होता, भाजपा नहीं, हमारे बैंकॉक नहीं जाते साहब इलेक्शन में, बैंकॉक नहीं जाते हमारे, हमारे नेता बैंकॉक, बिल्कुल बिल्कुल है। अरे क्यों ना हो, यही वजह ना हो, क्या वजह है? आप जीत गए क्या? यही वजह है, क्या वजह? जीत गए, देखो स्क्रीन, गुजरात में छह, दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, आपको पता है राजीव गांधी, आपको पता है राजीव गांधी ने शाहबानो केस में क्यों हटाया था, शाहबानो का केस क्यों पलटा था? क्योंकि वो उपचुनाव हार गए थे। हम आपकी तरह बौखलाने वाले नहीं है, हार जीत चलती रहती है लोकतंत्र में, लेकिन आज भी दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार बना रहे हैं। आप जीत के कुछ रहिए, आप बैंकॉक रहिए, उसके बाद चाहे आप, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है शिवम त्यागी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस वो होता है जब कोई कहता है कि हां जी मैं जीत गया हूं, आगे नहीं जीतूंगा। पहली ओवर सुन लीजिए भाई, जब बीच में बोलने में इतना क्या मजा आता है आपको, आप लूट नहीं कर सकते, ये देश समझ चुका है। रैली अगर आप अपने चुनाव प्रचार में करते ना, मुकदमा लगा मेरा ख्याल थोड़ा सा बच कर लेते आप, ये देश सर प्रदेश में आपको एक सीट जरूर मिल जाती, आप जीत नहीं सकते। नसीम खान साहब, एक रैली अगर आप उत्तर प्रदेश में करते तो आरोप तो लगा रहे शिवम जी की बीजेपी ने घपला किया, वो तो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है एक सीट जीत जाती, लेकिन आप लोगों ने घपला कर दिया, सीधा सीधा कांग्रेस का आरोप है। सबके पास इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऑप्शन है, जिसको लगता है उसके साथ कहीं ज्यादती हुई है, सरकार यहाँ सब कुछ नहीं है, आपके ऊपर न्याय व्यवस्था बैठी है। फालतू में ट्विटर पर बैठकर और स्टूडियो में झूठ बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला, जनता जानती है, हम बिल्कुल जानती है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस, ये दोनों को ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हल किया और फिर हो जाता है, कुछ नहीं होने वाला। मैं कहता हूँ अगर आपको चलाना था तो आप इलेक्शन जलालपुर सीट जो चली गई, वजह क्या मानते हैं, क्या कहां कमी रही, क्यों नहीं मिल पाई, क्या चिंतन करेंगे? जिस उम्मीद से पार्टी ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, तो आखिर कुछ तो सोच के उतारे होंगे ना, एक भी सीट नहीं निकाल पाए, तो ऐसे में तो सर ठेस पहुंची होगी कि आखिर वजह क्या रही, इसके लिए कब चर्चा शुरू होगी, कब चिंतन करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी में किसी भी चुनाव, हमारी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, चुनाव के बाद चिंता तो की जाती है, समीक्षा भी की जाती है, और जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनके कार्यशैली क्यों कहाँ कमी रह गई है, इसका भी मंथन होगा, और प्रदेश का संगठन जो चुनाव में काम कर रहा था, बहन जी उनकी भी समीक्षा करेगी। और बहन जी इस बार बहुत ज्यादा 2022 की तैयारी में है, बहन जी का बहुत ज्यादा ध्यान युवाओं पर है, और हम आपको बहुत जल्दी नए तरह से युवा शक्ति के साथ और संगठन में बहुत बड़े फेरबदल के साथ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सभी को कैडर करना हमने सिखाया है। मुद्दा उठाते तो नहीं देखे गए ना नावेद जी, कोई भी मुद्दा हो, इतने बड़े बड़े मुद्दे बीजेपी ने बैठे बिठाए दे दिए,
मैं तो इसी बात पर आश्चर्य होता है सर कि सपा और बसपा, जिसके लिए यूपी इतना इम्पोर्टेंट है, बीजेपी ने बैठे बिठाए इतने मुद्दे दिए, लेकिन जिस तरीके से घेरना चाहिए था बीजेपी को, उसमें दोनों ही पार्टियां विफल साबित हुई। एके मिश्रा जी कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, उसके बाद जवाब दे लीजिए। मेरी बात सुनिए, विपक्ष ने हमेशा से जोरदार तरह से आवाज उठाई है, कुछ टीवी चैनलों को छोड़ दे तो बाकी न्यूज चैनलों ने तो विपक्ष को देखा नहीं बंद कर दिया है। सर कम से कम कहीं पर मीडिया में भी क्या टीवी चैनल में क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अगर कहीं आपका फेसबुक पेज नहीं, ट्विटर अकाउंट नहीं, जो लोग खुद मीडिया में बिलीव नहीं करते वो टीवी चैनल पे आप लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। सोशल मीडिया नहीं, आपको हरियाणा और सोशल मीडिया नहीं, महाराष्ट्र पे आपकी पोल खोली है और सोशल मीडिया नहीं खोली है। सर मैं निष्पक्ष हूँ जिसकी खोली है। निष्पक्ष आप कितने बड़े निष्पक्ष है, सिस्टम और कानून पे आपका इतना विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है कि आपने उत्तर प्रदेश में जंगल राज बना दिया है। ये तो शिवम जी की मर्जी से चलने वाले लोग हैं, मनमर्जी से सरकार चलाते हैं। अरे अतुल पुरी को भी याद कर लिया करो, घोसी में जो है वो किसी रिश्ते से रिश्तेदार लगता है जी, आपको ये नहीं लगता है कि नाथुराम गौड़े जी फिर आ गए गौड़े जी? 150वीं जयंती मनाई है बापू की नावेद जी, आपको ये नहीं लगता है कि यात्रा कर रहे हैं? नावेद जी अगर गठबंधन से अच्छा होता, गठबंधन से अच्छा होता नावेद जी कि जो नावेद जी जो मुद्दे उठाने चाहिए जनता से जुड़े हुए, नावेद जी जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए उठाने चाहिए और ग्राउंड लेवल पे संगठन इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि जनता के पास वही मैसेज जाए जो आपकी बहन जी दे रही हैं या जो जनता बैठी है जिसको वोट करना उसको क्लियर रहे कि आप क्या देंगे पांच सालों में, आने वाले पांच सालों में। लेकिन अगर वो संदेश जनता तक आप पहुंचाने में सफल नहीं है, इसका फायदा बैठे हुए सत्ता पक्ष में बीजेपी को मिलेगा। जो योगी जी भारतीय जनता पार्टी ने थोपे हैं प्रदेश की जनता पर, उन योगी जी का 2022 में कहां दिखे सर? होमगार्ड जवानों को जब हटाया कहां दिखे आप? आप ले लीजिए कुलदीप सिंह सेंगर मामले में, ले लीजिए आप चिन्मय आनंद मामले में, ले लीजिए। कब उठाएंगे? 2022 में चुनाव है तो आप कब उठाएंगे? कब उठाएंगे मुद्दे? बहुजन समाज पार्टी कोई भी धरना प्रदर्शन किसी भी मुद्दे को नहीं उठाती है। बहुजन समाज पार्टी का अपना भाईचारा कमेटी है और जात पॉलिटिक्स करने वाली एक पार्टी है। लीजिए ये मैंने ले लूं नसीर खान का है कांग्रेस के लीडर नहीं करते जी, आप पे आरोप लग रहे हैं, ये नहीं करते हैं। और ये धर्म का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष नहीं करती है, उन्नाव लोगों की आवाज बनती है, उन्नाव किसी भी ज्वलनशील मुद्दे पर सड़क पर आती है। ये केवल अपनी एक जात की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जो कि इनका इनके पास से इनके पालन से खिसक रही है। ये जीरो जो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है उसके लिए नतीजा, इनका वोट परसेंटेज भी घटा है, इनका वोट परसेंटेज भी घटा है। रायबरेली छोड़ी थी, अधिकारियों को दे दिए गए हैं गठबंधन ने आपके लिए छोड़ी थी। जाति का शासन है आपका, जातिवादी सोच आपकी है। उनकी मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, समर्थन में अभी 6 विधायक चुरा लिए इन्होंने जब समाजवादी पार्टी की 2017 में सरकार की इलेक्शन की घोषणा हुई तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जब गवर्नर से मिलते थे तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन से मिलने जाते थे तो एक सूची जारी करते थे, चीफ सेक्रेटरी हटाओ, वो हट जाता था आधा घंटे बाद। हमारी सरकार में चीफ सेक्रेटरी, पीएस होम, डीजीपी और 18 कमिश्नरी हैं तो उसमें 9 कमिश्नर हटा दिए गए और जो 8 जोन है जहाँ आईजी बैठते हैं 6 आईजी हटा दिए गए और 47 जिलों में डीएम हटाए गए और 66 जिलों में एसएसपी हटाए गए। ये इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता है। हम अगर हम सरकार में और भाजपा सेंटर में है तो एक मिनट में इलेक्शन कमीशन हमारा पक्ष सुनता, बीजेपी के कहने पर ही जहां बीजेपी का स्टेटमेंट गया तो इतने अधिकारी हटा दिए जाते हैं, 200 अधिकारी, और हम एक डीएम को हटाने की बात करते हैं। पूरे विपक्ष के नेता जाकर मिलते हैं, हमारा नेता विरोधी दल अपोजिशन लीडर रामकविंद चौधरी जी, बड़े नेता, एक डीएम तो आप छोड़िए, एक कांस्टेबल नहीं हटाया गया इस उपचुनाव में और जो ये हमीरपुर वाला इलेक्शन हुआ है उसमें भी नहीं। बताएं कि हमने बहुत मांग की थी कि जहां उपचुनाव है वहां डीएम हटाए जाए, एसपी हटाए जाए, ये बाद में उनको लगा लेते हैं चूंकि इनके वो खास है, इनके इशारे पर काम कर रहे हैं। अब जहां तक रामपुर डीएम का सवाल है तो वो यूपी कैडर के तो है
है नहीं, वो वहां कर है जहां धारा लगी 371, तो वो उन्हें पता है कि अगर मैं यूपी में रहूंगा तो ऐश करूंगा वहां चलेगा, दिक्कत होंगी। तो ये हमारे जब हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिलता है इलेक्शन कमीशन से, स्टेट वाले से भी सेंट्रल वाले से भी, तो वो एक कॉन्स्टेबल नहीं हटाते, और बीजेपी के इशारे पर हमारे चीफ सेक्रेटरी पीएसओ हमारे डीजीपी सब हटा देते हैं। ये निष्पक्षता इलेक्शन कमीशन की। मैंने आपको बड़ी शांति से सुना। आपको पता है 2004 में उत्तर प्रदेश में नेताजी की सरकार में एक भर्ती पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहते हुए कि आपने सबसे ज्यादा यादवों को भरा है उस भर्ती में और पैसों का लेन देन हुआ है। अब जवाब है, अब और आगे आ रहा हूं, सुन लीजिए, अब आगे सुन लीजिए ना, बिल्कुल झूठ, अरे फिर बोलना शुरू कर दिया, झूठ मत, सुन लीजिए ना, मैं सुन लीजिए, अभी एक काम करना, फोन है ना आपके पास, गूगल कर लीजिए अभी आपको पता चलेगा, और दूसरा, अब दूसरा, अब दूसरा, आगे भी अभी और भी है, अरे और भी है, जब आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, मैंने सुना ना, जब आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप आगे सुन लीजिए, और दूसरा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में 8% सब इंस्पेक्टर, 8% सब इंस्पेक्टर यादव थे, पर फिर झूठ प्रसंग, और एक और चीज बता देता हूं, 1.5% विधानसभा खड़े होकर अखिलेश यादव ने कहा था कि हाँ मेरी सरकार में हमने 1000 पुलिस वालों को पीटा है, रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, कोई रिकॉर्ड नहीं है, हर चीज को झूठ नहीं बोल सकते आप, अरे आप एक काम करिए ना, मैं चैलेंज देता हूँ, एक काम करिए ना, अरे झूठ बोलने से काम नहीं चलता, अरे इस देश के सर रामवृक्ष यादव आप ही की सरकार में था ना, क्या किस तरह का शेल्टर था, किस तरह से लोगों को, किस तरह से आपने लोगों को मरवाया था, भूल गए शिवम शायद आपके लिए कुछ कह रहे हैं, लगता है कुछ आपसे ही कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सरकार गई, नावे दयाल क्या कह रहे हैं, एक मिनट ऐसा कोई सुन नहीं पाएगा, शिवम जी शायद नावे दयाल आपके लिए ये सवाल कर रहे हैं, नावेद अयाज भी लगता है कुछ सवाल पूछ रहे हैं, नावेद अयाज जिमियानंद जी पर आरोप लगाने वाली, बलात्कार का आरोप लगाने वाली हमारी महिला, हमारी बहन, उसी को जेल में उठा के डाल दिया, क्योंकि वो आदित्यनाथ योगी जी के करीबी दोस्त थे, क्योंकि वो उनके उप गृह मिनिस्टर थे और वो उनके ही रंग और भोज में रहते थे, यानी कि धर्म का गलत उपयोग करते थे, जाति और धर्म का चोला पहनने के बाद धर्म का उपयोग करके लोगों को बहकाकर वोट लेते थे, सच्चा धर्म और सच्चा राष्ट्रवाद इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर छल है, कपट है, भाषण है, झूठ है, ये लोग चिमियानंद चलिए सवाल सुन लिया आपका, नावेद अयाज यहाँ पे एक और डिफरेंशिएट, यहाँ एक और चीज डिफरेंशिएट कर दूं सर, आपने खुद कहा कि हमारे कौम की बहन को, ये क्या लैंग्वेज है सर, ये क्या लैंग्वेज है कर रहे हैं, और अभी तक आरोप तो है शिवम, जवाब दे, हमारी हिंदू बहन, मैं जवाब दे दो देखिए, बलात्कारी कोई भी हो, चाहे चिन्मयानंद कोई और, कानून उस पर अपना काम करेगा एक चीज, लेकिन जब नेता बलात्कार की बात करते हैं और उसको उठाते हैं, तो मेरा मानना है कि बहनों में कम से कम डिफरेंशिएट ना करें, आप ही के यहाँ पर एक बलात्कारी पड़ रहा है जो 1.5 महीने भागता रहा, अतुल पुरी याद होगा आपको, आपने अभी भी उसको कंसिस्टेंसी के साथ बनाया हुआ है, कैसी बात करते हो, और आपकी तो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है, कम से कम उसकी तो शर्म कीजिए, और दूसरी चीज, चाहे चिन्मयानंद हो चाहे कोई और, देश जाएगा, कानून अपना काम करेगा, और ये देश स्वतंत्र भी है, जब आपको कहीं परेशानी लगती है आप बिल्कुल आइए कोर्ट में, ये जिस तरह से चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर का जिक्र होता है, नावेद जी एक मिनट आपका सवाल सुन लिया हमने, बस एक मिनट नावेद जी कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद का जब भी एके मिश्रा जब जिक्र होता है, ये भी तो विपक्ष की कमजोरी है कि इन मुद्दों को जिस तरीके से उठाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं इसमें कमजोर दिखे, क्योंकि अगर इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे जब होते हैं, आप देखिए इसमें, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम भावनाओं से जुड़े होते हैं और कई बार भावनाओं पे ही चुनाव जीते जाते हैं, तो इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज को बीजेपी डील जल्दी कर लेती है कि हमने देखो जेल के पीछे डाला, हालांकि उसके पीछे का गेम क्या है ये जनता थोड़ी देर बाद समझे, लेकिन उन मुद्दों को इनकैश कराने में विपक्ष क्यों पीछे रह जाता है। मैम देखिए, मैं आप
आपको बताऊं, जहां बात सुरक्षा की होती है वो भी महिला सुरक्षा और उसकी इज्जत से, मैं बोलता हूं एक दिन की भी देरी क्यों होनी चाहिए, इसमें मैं बीजेपी सपा बसपा किसी का नहीं देखूंगा। सुरक्षा की गारंटी हर सरकार में सबसे पहला अधिकार है, खाना बाद में मिले। कौन से बीजेपी ने तुरंत जिस दिन जो है मर्डर हुआ या कोई चीज हुआ उठा करके कर दिया, कितने दिनों तक ये चलता रहा। तो इस मामले में तो सारी पार्टियां एक की एक, ठीक है आपने 20 दिन के बाद डाला, 50 दिन के बाद डाला, जब प्रेशर बना पार्टी में आपके भी वो रहे। पहली चीज, जब ऐसे मार्गदर्शक लोग अगर उनके ऊपर ये आरोप लगे तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। रही बात अब जब अगर सत्ता पक्ष मान लीजिए नहीं कर रहे, सर सुन लीजिए, तो विपक्ष का काम है, विपक्ष का। अभी हमारे सपा के भाई साहब बोल रहे थे हम धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अरे इन मुद्दों पे आपको तो सरकार को हिला देना चाहिए था, अगर ऐसे हैं कोई दिखा नहीं मुझे कहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, 410 लोगों ने ट्वीट कर दिया, ट्वीट कर देने से राजनीति होती है सर। जो महिला क्यों नहीं, हजारों लोग सड़कों पे उतरे, क्यों नहीं मिलने के लिए वहां पे गए? नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सारी, देखिए इस मामले पे एटलीस्ट आप सब लोग एक होइए कि जहाँ किसी के सुरक्षा की बात है वो भी महिलाओं के अस्मिता की बात है, सारी पार्टी सवाल तो ये होता है सारी पार्टी एक कैसे होगी? यहाँ बैठे तमाम, यहाँ बैठे तमाम पार्टी के लीडर से मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मेरा सवाल उठेगा। आजम खान पर ये आरोप लगाती है बीजेपी कि आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और उसी स्टेटमेंट पर इतनी बार घेरने की कोशिश होती है, और रामपुर की जनता अगर जिता देती है तो फिर सवाल उठता है कि कुलदीप सिंह सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, या तमाम पार्टी में ऐसे आपको लीडर मिल जाएंगे जिनके ऊपर इस तरह के चार्जेस लगे, और उसके बावजूद वही पार्टी कैसे किस मुंह से जाती है जनता के सामने? अरे कम से कम खिलवाड़ तो मत कीजिए सर, जिन महिला कहते हैं हम देश की आधी आबादी है, कम से कम हमारे मुद्दे पर तो इस तरह की राजनीति मत कीजिए। कब कब जनता जागेगी कह नहीं सकते सर, और जिस दिन जनता वोट करेगी नतीजे कुछ इसी तरह के सामने रहेंगे। नावेद जी, आप कह रहे हैं कि आप धरना प्रदर्शन, आप भी बात उठाते हैं, कहा मैंने तो कभी नहीं देखा सर बसपा को। मेरी बात सुनिए, जिस दिन से आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करने वालों की लिस्ट लगाई है, और देखिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून और मर्यादाओं को, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलकर किस तरीके से महिलाओं पर, जो शिक्षा मित्र थी जिनकी तनख्वाहें रोक ली गई, जो लोग अपनी नौकरियां बचाने के लिए, नए भर्तियां मांगने के लिए लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा के आगे गए, उन पर बुरी तरीके से लाठियां बरसाई गई। ये वो लोग हैं जो किसानों पर मध्य प्रदेश में गोली चलवा देते हैं। इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भी हदें पार कर दी। सर टोन ना वही रहता है, राग वही रहती है, नावेद जी कब अपने भीतर झांकेंगे, रिकॉर्ड चेक कीजिए, आप भीतर झांकेंगे सर, वो सत्ता पक्ष है और जनता को जवाब देना होगा। जनता अगर चाहेगी कि मेरा मूड चेंज हो गया, मैं यूपी की जनता हूं, मुझे वोट करना है, लेकिन मैं देख रही हूं कि बसपा भी नहीं मुद्दा उठा पा रही है, सपा भी नहीं उठा पा रही, मेरी मजबूरी है फिर पे बीजेपी के साथ जाऊं या किसके साथ? समाजवादी पार्टी ने कैसे उठाया है, कैसे बताओ कैसे उठाया है समाजवादी पार्टी ने, संसद में बोल के उठाया है, क्योंकि वो दलित था संसद में और वो आगे बढ़ गया अधिकारी को क्या बोल के उठाया है? एक साजिश के तहत सबसे बड़ा सवाल है, छोटे मामले में फंसा दिया, नहीं उठाता मुद्दे, और यहाँ बसपा सपा और भाजपा लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इन्हें मुबारक, ये खूब लड़े, स्टूडियो में भी लड़े और विधानसभा में, लेकिन अगर के खिलाफ हमने पदयात्रा की, हमारी पदयात्रा को परमिशन ने दी, लाठिया बरसवाई योगी ने, उसके बाद प्रियंका जी ने लखनऊ के अंदर 50,000 लोगों के साथ पदयात्रा, यूपी का जनादेश आपको क्या संदेश देता है? नसीम खान, नसीम खान, नसीम खान 30 सेकंड में, नसीम खान चलिए, आपने अपना क्लोजिंग कमेंट दे दिया कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आप सरकार बनाने जा रहे हैं। शिवम त्यागी, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी, 30 सेकंड के अंदर बताइए कि ये यूपी का जनादेश क्या ये मजबूर करता है कि आपको अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, उत्तर प्रदेश में 2.5 साल की सरकार के बाद अगर हम आज इतनी सीटें उपचुनाव में लेकर आए हैं तो मैं कहता हूं ये हमारे लिए अचीवमेंट है। जरूर एक दो सीटों पर कमजोर रहे, लेकिन वो सीटें भी हम लेकर आएंगे।
दो बार हारे, तीसरी बार रामपुर भी जीत कर आएंगे। और जनता जिस तरह से ढाई साल की एक्सेप्टेंस को रही है, उसके बाद 2019 में भी उसने दिखाया जब लोकसभा में हमें इतना बड़ा वो दिया, और इसके अलावा 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रिपीट होने वाली है। जो लोग हैं लगे रहे उनके लिए उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के जंगल राज हत्या प्रदेश बन चुका है, अपराध प्रदेश बन चुका है। ये किसान विरोधी है, विकास विरोधी है, विनाश के समर्थक है। ये देख चुके हैं 2022 आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी 250 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार। क्लोजिंग कमेंट, देखिए ये सारे रिजल्ट को देख के बीजेपी तो अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज लाएगी, कॉन्टिंजेंसी मैनेजमेंट अपनी पॉलिसी को चेंज कर लेगी, विपक्ष को भी करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद नहीं होता है। वो खुश तो हो लेंगे, फिर वो सुस्त हो जाएंगे और फिर वो इलेक्शन के टाइम पे आधा तैयार रिजल्ट ले आएंगे। मैं समझता हूं कि विपक्ष को भी बड़ा क्विक एक्शन लेते हुए अपनी स्ट्रेटजी को ड्रास्टिक वे में और एडॉप्ट करें, नई स्ट्रेटजी को और चेंज करें। चलिए तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस चर्चा को यहां पर खत्म करूंगी कि जनादेश, हर एक जनादेश जो है वो एक संदेश लेकर होता है, उस संदेश को हर पार्टी को समझने की जरूरत है। और हम वही लाइन फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर उस संदेश को किसी पार्टी ने समझ लिया और उसके तहत काम किया तो फिर 2022 का खेला यूपी में वही पार्टी फतह करने जा रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।